Ramad Rahim dear students you are watching educational channel KMCH I am Khalid Mahmoud from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 10th. We are solving its problems. today we have to solve problem number 11.6 of unit number 11. Unit number 11 is of sound. Let us see the statement of problem number 11.6. It is a student clapped his hands near a cliff. कि एक चटान है उसके करीब एक स्टूडेंट जो है उसने अपने हाथ जो है उसको उनके साथ उसने क्लैपिंग की यानी ताली बजाई उसने एंड हर्ड द इको आफ्टर फाइव सेकंड और पाँच सेकंड के बाद उसने उसकी इको जो है वो सुनी वाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द स्टूडेंट स्टूडेंट से उस क्लिफ का डिस्टेंस कितना है इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। अब ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमें 11.5 में दिया गया था 11.5 में साउंड जो है वो समंदर की तय से टकरा के वापस आई थी और हमने समंदर की गहराई मालूम करनी थी अब यहाँ पे साउंड जो है वो उस क्लिफ़ के साथ टकरा के वापस आई है तो हमने उसकी एक्को सुनी है और हमने क्लिफ़ जो है उसका डिस्टेंस मालूम करना है तो वही फार्मूला लगेगा उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हमें टाइम दिया गया है ये टाइम जो है ये साउंड के जाने का और फिर वापस आने का टाइम है तो अगर हमने सिर्फ क्लिफ़ का डिस्टेंस मालूम करना है तो हमें सिर्फ एक साइड का टाइम लेना पड़ेगा यानी साउंड जो है वो क्लिफ़ से टकरा के हमारे तक कितने टाइम में पहुंची है और स्पीड हमें दी गई है और डिस्टेंस हमने मालूम करना है तो एस इज़ एक टू वी टी का फार्मूला लगा के तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड v गिवन है 346 मीटर पर सेकंड टाइम टू हियर द इको ऑफ साउंड ये 5 सेकंड है टाइम टेकन बाय द साउंड टू गो टू द क्लिफ सिर्फ जाने में कितना टाइम लिया उसने आधा टाइम लेगी जाने में और आधा आने में तो t इज इक्वल टू फाइव सेकेंड ओवर टू यानी 2.5 पॉइंट फाइव लगे उसको और डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट s रख लेते हैं इसको ये हमने मालूम करना है और वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी वी बी हमारे पास है और टी भी हमारे पास है तो डिस्टेंस निकल आएगा यहाँ से तो एस इज़ इक्वल टू थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकंड इन टू टाइम कितना है टू पॉइंट फाइव सेकेंड यह एस की पावर माइनस वन एस की पावर वन कैंसिल हो जाएगा सिर्फ मीटर यूनिट रह जाएगा थ्री फोर्टी सिक्स को टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट सिक्सटी फाइव आ जाएगा दस द डिस्टेंस ऑफ क्लेफ फ्रॉम द स्टूडेंट इज एट सिक्सटी फाइव मीटर तो इस तरह से हमने इस नोमेकल को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसको समझ आई होगी ख़ुद भी देखा करें अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर लिया करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज शाद रहें आबाद रहें